बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज़ ज़ीरोग्राफी। कॉपी करने का प्रोसेस को ज़ीरोग्राफी कहा जाता है। इसका सेकंड नेम फोटोकॉपियर भी है। तो फोटोकॉपी कॉपियर मशीन से आप बखूबी वाकफ़ हैं, क्योंकि आप डेली लाइफ के अंदर फोटोकॉपीज करवाते हैं। तो आज हम उसी प्रोसेस को देखेंगे कि फोटोकॉपी का प्रोसेस कैसे होता है, उसके अंदर कौन से उसके मेन पार्ट्स हैं जो कि फोटोकॉपी करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरोस। ये ज़ीरोग्राफी ग्रीक वर्ड है। ज़ीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग, और ज़ीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग। इसके मेन पार्ट्स की अगर बात की जाए तो इसका मेन पार्ट है ड्रम। ये हमारे पास शो करवाया गया है, ये ड्रम है ब्लू कलर के अंदर, जो कि एलुमिनियम से बना हुआ है। जबकि इसके ऊपर ये जो येलो कलर के अंदर है, ये तय होती है सेलेनियम की। और बाकी अगर इसके बात की जाए, एलुमिनियम कंडक्टर होता है और जबकि सेलेनियम है वो फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जब इस पर लाइट नहीं पड़ती तो ये एज एन इंसुलेटर काम करता है सेलेनियम, और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये एज एन कंडक्टर काम करता है। तो ऐसा कंडक्टर जो होगा जिसकी ये खसूसियात होंगी कि उस पर लाइट पड़े तो वो कंडक्ट करे, जब उस पर लाइट ना पड़े तो वो एज एन इंसुलेटर काम करे, यानी कि कंडक्ट ना करे, उसको क्या बोलते हैं, फोटो कंडक्टर। और जबकि इसके दूसरे पार्ट्स की बात करें जो इसके साथ है मज़ीद, इसके अंदर हम एक लेंस यूज़ करेंगे। अब लेंस यूज़ करने का मकसद क्या है कि इमेज को फोकस करवाया जाए किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। ये आपके पास ड्रम है। और मज़ीद हम इसके अंदर लैम्प भी यूज़ करेंगे जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगा। और मज़ीद हमारे पास इसके अंदर एक टोनर भी होगा जिसके अंदर इंक होती है, ड्राई इंक, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग अगर हम इसकी देखें तो इसमें हमारे पास ये क्या है, एक लैंप है, इसमें से लाइट एनर्जी निकल रही है, और ये हमारे पास एक पेज है जिसको हम फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं। और ये हमारे पास लेंस है, कन्वेक्स लेंस। अब ये क्या करेगा, ये जो रेज आ रही है इनको फोकस करवाएगा इस ड्रम के ऊपर। अब इस सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये अगर आप देख सकें, ये सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये शो भी करवाया गया पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, यहाँ पर जब आपने पेज रखा फोटोकॉपी करने के लिए, तब उस पेज के ऊपर यकीनन कुछ ना कुछ लिखा होगा, और काफ़ी सारा उसका पार्ट जो है वो जिस पर नहीं लिखा होगा वो वाइट कलर की फॉर्म में होगा। अब होता क्या है, जब यहाँ से रोशनी सफ़ेद हिस्सा पर पड़ती है तो वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है, इस लेंस से गुजरने के बाद यहाँ पर पहुँचती है। और जब ये रोशनी जो डार्क पार्ट होगा, यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा होगा उस पर भारत जो लिखी है उसको हम डार्क पार्ट बोलेंगे, जब वहाँ पर रोशनी पड़ेगी तो वहाँ पर रोशनी अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद यहाँ पर जो इमेज बनेगा ड्रम का, कि जो हिस्सा जो लाइट सफ़ेद हिस्से से टकरा के आई है पेज के, वो जब यहाँ पर पहुँचेगी तो क्या होगा, यकीनन सेलेनियम उस वक़्त कंडक्ट करेगा रोशनी के लिए, यानी कि उस पर लाइट पड़ी है तो वो एज ए कंडक्टर काम करेगा। उस सूरत में क्या होगा, एलुमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो सेलेनियम से गुजरते हुए उस पार्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जबकि जो ब्लैक पार्ट होगा वो एज इट इज़ इस चार्ज की फॉर्म में इस ड्रम के ऊपर आ जाएगा, इस ड्रम के ऊपर। अब मज़ीद इसके अंदर क्या होगा कि इसके साथ अटैच होता है एक टोनर, जो टोनर अटैच है उसके साथ। अब ये स्पेशल किस्म का ये इंक होती है, ड्राई इंक होती है, जिस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। अब इसमें क्या होगा कि जब ये ड्रम रोल करेगा, रोल करने से पहले ये जो इंक होगी टोनर के अंदर वो इसके ऊपर छिड़काई जाएगी, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी। अब इसके ऊपर जो ड्रम के ऊपर इमेज है वो फिर इस पेज के ऊपर आ जाएगा। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर सपोज़ ये हमारे पास पेज था जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट, ये पेज है इसके ऊपर ई लिखा हुआ है, हुआ क्या है कि जब लाइट पड़ी है जाके इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर, तो ये वाइट वाला पार्ट है सारा, यहाँ से रोशनी मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हुई है, और ये जो जहाँ पर लिखा हुआ है डार्क पार्ट, यहाँ पर रोशनी क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है,
तो वाइट पार्ट के लिए तो सेलेनियम ने एज कंडक्टर काम किया, जबकि डार्क पार्ट के लिए एज इंसुलेटर काम किया। अब ये वाला जो पार्ट है वो चार्ज की फॉर्म में इस ड्रम के ऊपर मौजूद है, इस तरह से अगर ये आप देख सकें, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सारा पॉजिटिव इस फॉर्म में इस ड्रम के ऊपर मौजूद है और ये इस ड्रम के ऊपर उल्टा लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि जब ये टोनर से ड्राई पाउडर इसके साथ मिलेगा, जो अब ये जो टोनर है जो ड्राई पाउडर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा होता है, नेगेटिव। जब ये फिर इसके साथ मिलेगा ड्रम के साथ, जब ड्रम ये रोल होगा, रोल होने के बाद जहाँ से जब ये पेज चलेगा तो ये ड्रम इसके पेज के ऊपर रोल होगा और जो ड्रम के ऊपर इंफॉर्मेशन है जो कि उल्टी है, जिस तरह अगर आप स्टैंप देखें, स्टैंप लगाएं तो हम वैसे देखें स्टैंप को तो हमें उल्टी नज़र आती है, लेकिन जब पेज पे लगाएं तो सीधी नज़र आती है। तो जब ये ड्रम रोल होगा तो जो इसके ड्रम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जिस तरह ये इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मौजूद है, वो इस पेज पर आ जाएगी चार्जेस की फॉर्म में। लेकिन इस पेज को हीटेड रोलर्स में से गुजारना ज़रूरी है। अब हीटेड रोलर्स में से गुजारना क्यों ज़रूरी है, इसको हीटर रोलर्स में से गुजारना इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन अगर हम उस पेज को हीटर रोलर्स में से नहीं गुजारेंगे तो उस पेज के ऊपर हाथ फेरें तो जो उसके ऊपर लिखा हुआ सारा कुछ मिट जाएगा। तो ये क्या होता है जी, यहाँ से पेज हीटर रोलर्स में से जब गुज़रता है तो जो इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर आती है वो मुस्तकिल हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर अब आप बाद में हाथ फेरें तो फिर भी वो इन्फॉर्मेशन ज़ाया नहीं होती, वो मुश्किल तौर पर उस पेज के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से फोटोकॉपी का प्रोसेस होता है, और जब हीटर रोलर्स में से वो पेज गुजरता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपने कभी देखा हो कि जब फोटोकॉपी की करके आपको पेज दिया जाता है तो वो गर्म होता है, वो क्यों गर्म होता है कि वो हीटेड रोलर्स में से गुजरा होता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि हीटेड रोलर्स का काम क्या होता है। तब इस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जीरोग्राफी की बात की कि फोटोकॉपिंग प्रोसेस है, सेकंड नेम इसका फोटोकॉपियर है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग। इसके मेन पार्ट्स की हमने बात की, ये ड्रम है उसके ऊपर सेलेनियम की तय है, और मज़ीद एलुमिनियम क्या है, ये कंडक्टर है, जबकि सेलेनियम है वो फोटो कंडक्टर है, यानी कि लाइट पड़ेगी तो कंडक्ट करेगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो कंडक्ट नहीं करेगा, एज एन इंसुलेटर काम करेगा। और बाकी इसके मज़ीद पार्ट्स की बात की हमने, इसके अंदर लेंस यूज़ होगा, टोनर यूज़ होगा और लैंप यूज़ होगा। और उसके बाद फिर हमने इसके प्रोसेस की बात की कि अगर ये पेज है इस पर ये इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, लैंप में से लाइट पड़ेगी और इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन इस ड्रम के ऊपर आ जाएगी ये चार्जेस की फॉर्म में। और फिर क्या होगा, जब आपके पास ये टोनर अटैच है, टोनर जो है उसकी इंक इस ड्रम के ऊपर आएगी, ब्लैक कलर का ये पाउडर है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा कि जब ये फिर रोल करेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पर आ जाएगी। ये पेज जो है वो नीचे, अगर आप देखें फोटोकॉपी मशीन के साथ ट्रेस अटैच होती हैं उनके अंदर रखे होते हैं, तो जब ये रोलर घूमेगा तो इस पेज ये पेज आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज के ऊपर आएगी। फिर ये पेज जब हीटेड रोलर्स में से गुजरेगा तो जो इन्फॉर्मेशन पहले इस ड्रम के ऊपर थी जो कि पेज पर आ चुकी है वो फिर हीटेड रोलर्स में से गुजरने के बाद मुस्तकिल हो जाएगी, वो जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन मुस्तकिल तौर पर उसके ऊपर छप जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।